अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्लास नंबर 11 जो है उसकी जितनी भी नई बुक्स आई हैं उनके पीडीएफ के बारे में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। तो वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लास 9 की अपलोड की थी, जो फ्री पीडीएफ है इसमें सारी बुकों का मैंने पीडीएफ दे दिया है। कोई बच्चा अगर उसका बहन भाई 9 में है तो उसको वीडियो शेयर कर सकता है। अच्छा, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी कुछ चैप्टर्स हैं इन बुकों के, फाइनल फुल बुक चैप्टर्स में अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों तक। तो फिलहाल इन पे करो, दो दो तीन तीन चैप्टर है अभी, ये तो पढ़ लो, फिर आगे की बाद में देखी जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपने सिंपली आना है ऊपर लिंक में, इसलिए नीचे पेस्ट नहीं करता, ये लोग रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली आना है nbf.org.pk/content। यहाँ तक तो कम से कम आपने किसी टेक्स्ट फाइल पे या कहीं लिख के ले लेना है, इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि हर जगह आपने ब्राउज़र में अलग अलग जगह जाके ये चीज़ लिखनी है। इससे आगे वाली चीज़ चेंज होगी, पीछे ये सारा सेम होगा। www. बेशक ना पीछे लिखो, सीधा nbf.org.pk और /content/ ये /। आपकी जो कीबोर्ड है, कंट्रोल का बटन है, इसके ऊपर शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट के बटन के लेफ्ट साइड पे देखोगे तो क्वेश्चन मार्क है, और उसी बटन में ये /भी होती है। तो सिंपली आपने लिखना है कंटेंट तक, देखो सारी बुकों का सेम होगा। उसके बाद बायोलॉजी --- का साइन है, जो कि आपको फुल राइट साइड पे कीबोर्ड पे टॉप पे देखोगे तो आप लोगों को माइनस मिल जाएगा प्लस के ऊपर। और उसके बाद 11, उसके बाद माइनस, उसके बाद चैप्टर्स डैश भी इसको कहते हैं, माइनस भी, और 2024। इस पे सिंपली आप करोगे तो ये आप लोगों के पास बायो 11 चैप्टर्स 2024 आ जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट बुक का पीडीएफ कह रहे हैं, तो देखते हैं कंप्लीट बुक है या नहीं है। ये एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी सारी डाउनलोड की हुई हैं, तो फिर भी ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरी डाउनलोड क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जितनी देर तक होती है हम और देखते हैं। केमिस्ट्री में देखो nbf.org/content तक वही है, सिर्फ आपने आगे उसके /तक आपने हर जगह कॉपी करके रखना है। उसके बाद केमिस्ट्री -11-24 लिखोगे तो ये केमिस्ट्री की आप लोगों के पास पूरी बुक आ जाएगी। जितने भी चैप्टर्स हैं गुजारा करो, अगर फुल नहीं है मैं बाद में फुल अपलोड कर दूँगा। इसके बाद कंप्यूटर का सिमिलरली आपने अगेन कंटेंट तक वही है पीछे यूआरएल, और इसके बाद कंप्यूटर -science-11-chapters-24 इतना तो लिख ही सकते हो यार, इतनी मेहनत कर लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में सिंपली आपने आ जाना है /english-11-chapter-2024। तो ये इंग्लिश आप लोगों के पास आ जाएगी पूरी बुक। और इसके बाद इस्लामियात की बात करें तो इस्लामियात के लिए /11-chapter-24। और अगर हम आगे बात करें मैथ्स क्लास 11 की, तो मैथ्स क्लास 11 के लिए भी आपने क्या काम करना है, /11-chapter-2024। इसी तरह फिज़िक्स की बुक की बात करें तो फिज़िक्स की भी जो नई बुक आ गई है 11वीं की, उसमें आपने सिंपली उसी यूआरएल के आगे /11-chapter-24, ये पीछे वाला एक ही कॉपी करके जगह जगह 4-5 टैब खोल के उसमें पेस्ट कर लो तो आगे लिखते जाओ, बजाय ये पीछे से सारा लिखना फ़ायदा नहीं है, आप लोग की मेहनत बचा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे उर्दू की है, उर्दू की बुक के लिए /11-chapter-24। तो ये यूआरएल सारे आपको दिखा दिए हैं, आपने डायरेक्टली इन पे आना है। फजूल में अगर ढूंढना चाहते हो तो जाके इनकी वेबसाइटों पे ढूंढते रहो, लेकिन ये आसान तरीका है, आप आराम सुकून से यहाँ से सिर्फ क्लास 11 की अपनी बुकें डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में। तो ये एक जो डाउनलोड हुई है मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। ये हमारे पास बायो की बुक डाउनलोड हो चुकी है, आप क्वालिटी देख सकते हो, मैं इसको इतना जूम भी कर रहा हूँ, ये क्वालिटी फट नहीं रही, क्वालिटी इज़ 100% क्लियर। तो नीचे आते हैं तो सारा कुछ वही बुक है जो आपकी मार्केट में आ जाएगी कुछ दिनों तक। बायो की क्लास 11 की तो अभी एक बुक भी नहीं आई मार्केट में, तो तब तक आपने ये 2-3 चैप्टर जितने भी इसमें हैं वो तो पढ़ लो, जब तक वो पढ़ोगे तो तब तक पूरी बुक आ जाएगी। मैं ख़ुद पीडीएफ कोशिश करूँगा जो ही आती है तो अपलोड सारी की सारी कर दूँगा। तो ये देख लो, ये सारा विजिबल है, ईजिली विजिबल है, सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ है, क्लियर है। और ये हमारे पास आ गया, इसका चैप्टर नंबर 2 भी इसके अंदर है मौजूद, और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 है या नहीं। तो 2 चैप्टर ही भाई इतने लंबे हैं, अगर आप ये कर लो तो तब तक पूरी बुक ही मार्केट में आ जाएगी। मैं तो अपलोड करूंगा, मैं कोई मसला नहीं है, आप लोगों को पूरी पूरी बुकें दूंगा, मेरे किस काम की है, पढ़नी आपने। चैप्टर नंबर 3 भी है माशाल्लाह,
तीन चैप्टर जब तक आप करते हो तो कोई प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है यार, यहाँ से ही पढ़ो। लैपटॉप्स वाला आजकल जदीद ज़माना है, मोबाइल फ़ोन में जब नहीं आएगी लेना, प्रिंट पे ऐसे पैसे खर्च करोगे। चैप्टर नंबर 4 भी है इसके अंदर मेरे भाई, और क्या चाहते हो। तो इसी तरह इन बुक्स में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो फ़िलहाल इनको इन्जॉय करो। आप लोग के सामने सारी बुक PDF में है, और चैप्टर नंबर 6 भी शायद होगा इसके अंदर, या उम्मीद नहीं है उसकी, तो देख लेते हैं। ओ माय गॉड, चैप्टर नंबर 5 भी है इसके अंदर, 5 चैप्टरों तक है मेरे ख्याल से। और बस कौमी तराना आ गया, पाक सर ज़मीन शाद बात। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे लिंक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट्स करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्लास ग्रुप्स में सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो जो बुक्स ना होने की वजह से आपको पढ़ा नहीं रहे और बहाने कर रहे हैं, और आप लोग का अपना नुकसान है। क्योंकि आधा अगर साल पढ़ोगे इन्हीं बुकें लेट आएंगी थोड़ी फर्स्ट ईयर की, क्योंकि अभी 9-10 की प्रिंट होके आ रही हैं, तो आप लोग का अपना नुकसान है। पढ़ाई अभी से ही शुरू कर लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नंबर आप लोग के अच्छे आने चाहिए। फर्स्ट ईयर अच्छी कर ली तो सेकेंड ईयर में ऑलरेडी आप लोग कर लोगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।